सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त रिव्यू ब्रो और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 3 के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे कि ये सीरीज आपको कब तक देखने को मिल सकती है। सो वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों सबसे पहले आपको और आपके परिवार को रिव्यू ब्रो की तरफ से हैप्पी दिवाली। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, द लेजेंड ऑफ हनुमान इंडिया की मोस्ट पॉपुलर एनिमेटेड सीरीज है और इस सीरीज को 2021 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था और इस सीरीज के टोटल 4 सीजन हमें देखने को मिलने वाले हैं, जिसके 2 सीजन ऑलरेडी रिलीज कर दिए गए हैं। सो इसके सीजन 1 को रिलीज करने के बाद इसका सीजन 2 काफी जल्दी आ गया था और इसके सीजन 2 को आए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गए हैं, बट इसके सीजन 3 को आने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्या है इसके पीछे का रीजन? सो दोस्तों मेकर्स का ये कहना है कि इसके सीजन 3 और सीजन 4 पर एक साथ काम किया जा रहा है, जिसके कारण आपको सीजन 3 को देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सो दोस्तों अब डायरेक्टली बात करते हैं कि ये शो आपको कब देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों मेकर्स का ये कहना है कि ये सीरीज हमें 2022 को देखने को मिल जाएगी, यानी कि 2022 के एंड क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकती है। और काफी लोगों का ये कहना है कि ये सीरीज हमें दिवाली वाले बाद के जो हफ्ता आएगा उसमें देखने को मिल जाएगा, बट कितना सही है कितना नहीं मुझे नहीं पता। और अगर मेरी माने तो ये सीरीज आपको नवंबर के एंड में देखने को मिल जाएगी, अगर नवंबर के एंड में रिलीज नहीं होती तो दिसंबर के स्टार्टिंग में आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। और इसका सीजन 4 हमें 2023 के स्टार्टिंग क्वार्टर में देखने को मिल सकता है, मेरी माने तो इसका सीजन 4 हमें अप्रैल या मार्च के बीच में देखने को मिल जाएगा। सो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो जरा से भी अच्छी लगी तो एक लाइक ठोक देना, चैनल पे नया आया तो सब्सक्राइब ठोक देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, शुभ खैर।